तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है मुझे फोन करने की? हाँ तुम्हें क्या लगता था अपने शौहर और देवर को मेरे पीछे लगा के खुद अच्छी बन जाओगी और मुझे फंसा दोगी? जब चोरी करोगे तो उसकी सजा तो जरूर मिलेगी ना तुम्हें। बिल्कुल ठीक है 100%। लेकिन आपने जो किया है वो उसकी सजा नहीं मिलेगी आपको। रमजी को मैंने नहीं, तुमने टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया। मैं उसका नाम भी नहीं सुनना चाहती। लेकिन एक बात बताऊं मैं तुम्हें, हसन सुनना चाहेगा उसका नाम। हसन सुनना चाहेगा, क्योंकि अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको जरा याद दिला दूं कि आपने रमजी के जरिए ही हसन से उसकी मोहब्बत छीनी थी और इसी वजह से तुम हसन को पाने में कामयाब हुई थी। क्या हुआ, भूल गई क्या? अफसोस होता है मुझे तुम पे, कितने ही गिरे हुए और बेगैरत शख्स हो तुम। अपनी ही बीवी को उसके पुराने आशिक के हवाले करने चलोगे? हाय हाय, छी 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 यार, खुदा को मानो अपनी गंदी जबान पे जोया जैसी पाक दामन लड़की का नाम मत लाओ यार। मेरी पहली मोहब्बत थी, है और हमेशा रहेगी। अब नहीं रहेगी। जब हसन को रमजी की हकीकत का पता चलेगा ना, तो तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारा हाथ छोड़ के भाग जाएगी तुमसे। मेरे भी वैसे ताल्लुकात हसन के साथ बहुत बुरे चल रहे हैं। जोया भी लंबा अरसा तुम्हारे साथ रहेगी नहीं। क्या बोल रही हो तुम? तुमने जो कुछ सोया के साथ किया मुझे अपनी गलती समझ आ गई। अब तुम भी समझ जाओ, तुम्हारे लिए बेहतर होगा। ओ अपना भाषण बंद करो मैडम और मेरी बात सुनो। रमजी के सामने आते ही जोया पे लगा हुआ दब्बा धुल जाएगा और जब जोया को यह पता चलेगा कि मैं रमजी को सामने लेकर आया हूं तो तुम्हें पता है क्या होगा। क्या होगा? उस बेचारी की नजरों में मैं हीरो बन जाऊं। ये तो कभी नहीं होगा कमाल। तुम बेवकूफ किसी और को बनाओ। अरे मुझे पैसों की अभी जरूरत है। मेरे पास एक छोटी कौड़ी नहीं है तुम्हें देने के लिए, तुम दफा हो जाओ। ठीक है मैडम, आपकी मर्जी, मैं हसन के पास चले जाता हूँ फिर। कमाल, ना तो तुम खुद मरो ना मुझे मरवा। अच्छा तो आप चाहती हैं कि हम दोनों साथ में मर जाएं? बिल्कुल ठीक है, अगर साथ में मरेंगे तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। प्लीज मेरी जान छोड़। कमाल, ये किसके साथ जीने मरने की बातें हो रही है? तुम्हें शर्म नहीं आती है यहाँ पर खड़ी होकर मेरी बातें सुनती हो तुम? नहीं कमाल, मैं आपकी बातें सुनना तो नहीं चाहती, लेकिन सुन ली। और एक बात का तो ना आज मुझे अंदाजा हो गया, तुम जैसे आस्तीन के सांप से मुझे जल्द छुटकारा पाना पड़ेगा, कि तुम जैसा घटिया आदमी मैंने कभी नहीं देखा। तुम ऐसा नहीं कर सकती। क्यों कमाल? मैं ऐसा करके दिखाऊंगी, रोक सकते हो तो रोक लो। अगर रोकना चाहूं तो रोक भी सकता हूं जोया, लेकिन मैं चाहता हूं तुम मुझे इस नौबत तक ना लाओ तो ज्यादा बेहतर है। तो क्या करोगे एग्जैक्टली? तुमको फिर से एक पक्की डोर में बांध लूंगा, क्योंकि जोया आज भी मैं तुमसे। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.